बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हूं। हमारा टॉपिक है असममित यौगिकों में संकरण। बच्चों ये असममित यौगिकों में संकरण निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यौगिक असममित कब होता है। बच्चों जैसा कि मैंने कल की क्लास में, कल मतलब मैंने जो लास्ट वीडियो आपके साथ रखा था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था बच्चों, एक फार्मूला याद करिए संकरण को कोरिलेट करके, और फार्मूला था पी इज इक्वल टू ए प्लस हाफ जी माइनस वी। ठीक है बच्चों, और इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको पी की कुछ वैल्यू आपके सामने रखा था बच्चों। पी का मान आपके पास 2 आएगा बच्चों, पी का मान आपके पास 3 आएगा, पी का मान आपके पास 4 आएगा बच्चों, पी का मान आपके पास 5 आएगा, पी का मान 6 आएगा और पी का मान आपके पास 7 आएगा। बच्चों जब पी का मान आपके पास 2 आएगा तो आपको एसपी संकरण की जानकारी होगी, 3 पर आपको एसपी 2 मिलेगा, 4 में आपको एसपी 3 मिलेगा, 5 में आपको एसपी 3 डी मिलेगा, 6 में आपको एसपी 3 डी 2 मिलेगा और बच्चों 7th में आपको एसपी 3 डी 3 मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों ये जानकारी मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी थी। महत्वपूर्ण बात है कि अब इस एग्जाम्पल को हमको क्रिएट करना है जबकि हमारे पास एक असममित यौगिक हो। तो बच्चों मैं उदाहरण के रूप में मैं आपको यहां पर अमोनिया लेकर समझाता हूं। अमोनिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो बच्चों मैं जो टॉपिक ले रहा हूं वो टॉपिक है अमोनिया NH3। तो बच्चों अमोनिया में संकरण हम निकालने की कोशिश करेंगे। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो यहां पर ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। परमाणु क्रमांक 7 है नाइट्रोजन का, 2 और 5, तो अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये जी का मान हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था यहां पर आपको एक शर्त यानी कि एक नियम लागू करना है, ए बराबर जी, तो आप देख सकते हैं कि जो ए का मान है वो जी के बराबर नहीं है। तो बच्चों यही सबसे बड़ी पहचान है कि जब ए का मान जी के बराबर नहीं होगा तो जो भी आपका यौगिक होगा वो यौगिक आपका कैसा हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा असममित, यानी आपका यौगिक असममित है। ऐसी कंडीशन में जो ए का मान होगा वो वी के मान के बराबर हो जाएगा, पर याद रखना है कि वो दोनों ही मान जी के बराबर नहीं होंगे। यानी हमारा जो ए का मान होगा उसको हम वी के बराबर तो मान लेंगे, लेकिन याद रखना है कि वो मान कभी भी जी के बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं होंगे, अब वो बहुत सारे तर्कों पर चला जाएगा तो हम बहुत ज्यादा भी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको जिस तरह से बताया जा रहा आप इसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो अब आपके पास 3 मान आ गए। अब इन मानों को उठा के आप अपने फार्मूले में रख दीजिए। बच्चों जैसे ही आप वैल्यू को फार्मूले में रखेंगे तो पी इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3, तो ये मिलेगा 3 प्लस 1/2, जी की वैल्यू 5 माइनस 3। बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 1/2, यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो बच्चों ये 3 धन 1 = 4 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि P की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। और बच्चों P की वैल्यू जैसे ही 4 आएगी तो वो इंडिकेट करेगा इसमें कौन सा संकरण है, इसमें SP3 संकरण है। तो होप सो आपको असममित यौगिक में संकरण समझ में आया है। बच्चों इसके साथ ही मैं एक यौगिक और भी ले लेता हूं, ध्यान दीजिए बच्चों। उदाहरण के तौर पर मैं H2O ले लेता हूं, जल का अणु। बच्चों जल के अणु में एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो A का मान आपके पास 2 आ जाएगा। बच्चों ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, 2 और 6, तो इसके अंतिम कोश में 6 है इसलिए ये G का मान हो जाएगा। फिर से हम अपना नियम लागू करेंगे तो बच्चों हम देखेंगे कि जो A का मान है वो G के मान के बराबर नहीं है। तो बच्चों ऐसी कंडीशन में मैंने आपको फिर से बता दिया कि जो यौगिक है वो यौगिक आपका कैसा हो जाएगा, वो यौगिक आपका हो जाएगा असममित, वो यौगिक आपका असममित हो जाएगा। असममित यौगिक के लिए शर्त है कि जो ए का मान है वो जी वी के मान के बराबर हो जाता है, लेकिन ये दोनों मान ही जी के बराबर नहीं होते हैं। बच्चों हमारा सूत्र था पी इज इक्वल टू ए प्लस हाफ जी माइनस वी। अब इस सूत्र में हम ये मान रख देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 2 धन 1/2 6 - 2। बच्चों सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2 धन 1/2, यहां पर आ जाएगा 4, ये कटेगा तो वैल्यू 2 आ जाएगी। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी P इज इक्वल टू 2 + 2, यानी कि वैल्यू 4 आएगी। अगेन P का मान 4 आया, इसका मतलब अभी इस कंपाउंड में भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, SP3 है। बच्चों इसी तरह से एक एग्जांपल मैं आपके सामने और भी ले लेता हूं। सबसे पहला एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, उदाहरण नंबर 3। बच्चों मैं आपको CH4 का एग्जाम्पल भी ले लेता हूं। CH4 में एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो A का मान 4 हो जाएगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, 2 और 4, तो अंतिम कोश में
चार इलेक्ट्रॉन है बच्चे, ये जी का मान हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जब आप नियम लागू करेंगे बच्चे, तो अब आप देख सकेंगे कि ए का जो मान है वो जी के मान के बराबर है। ऐसी कंडीशन में आपका जो यौगिक होगा बच्चों, वो यौगिक आपका कैसा माना जाएगा? सम्मित माना जाएगा। ये यौगिक आपका सम्मित है, सम्मित यौगिक है, तो भी आपके लिए नियम लग गया। अब फॉर्मूला था कि ए बराबर जी बराबर वी, ये तीनों मान बराबर माने जाते थे, ठीक है, जबकि यौगिक सम्मित होता था। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, पी इज इक्वल टू ए प्लस हाफ जी माइनस वी। बच्चों इस आधार पर ए का मान चार, एक बटे दो, चार माइनस चार, तो बच्चों ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी फोर प्लस वन बाई टू और ये जीरो आ जाएगा। ये सॉल्व करने पर आपकी जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, पी इज इक्वल टू फोर प्लस जीरो। फाइनली केवल आपको पी की वैल्यू अभी भी कितनी मिलने वाली है? फोर। बच्चों इस आधार पर अगेन आपको पता चला कि इस कंपाउंड में भी संकरण कौन सा है? sp3। मैंने जो आज तीन एग्जाम्पल रखे, तीनों ही कंपाउंड में मैंने आपको sp3 संकरण की जानकारी दी। बच्चों महत्वपूर्ण सिर्फ ये है कि कंपाउंड आपका अगर सम्मित है तो उसमें संकरण कैसे निकालना है, असम्मित है तो किस तरह से संकरण आपको निकालना है। होप सो बच्चों आप असम्मित और सम्मित दोनों ही प्रकार के यौगिकों में संकरण की गणना भली भांति समझ गए होंगे। तो बच्चों इस टॉपिक को आज हम यहां पर ही समाप्त करेंगे। संकरण को बहुत जल्दी आपसे कुछ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।